आज हम बनाएंगे चौलाई के पत्तों की सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इधर डंडियाँ निकाल ली हैं इसके, और पत्ते पत्ते इसके ले लिए हैं, और हमें सिर्फ इसके पत्ते पत्ते चाहिए। हम इसकी डंडी फेंक देंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक भगोने में पानी, और इसको मैंने बिल्कुल साफ़ पानी लेना है हमें, और इनको अच्छे से धो लेना है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि इसका सारा रेता निकल जाए, अच्छे से धुल जाता है बढ़िया से, रेता जो है ना नीचे ले जाता है उसको, सॉरी, नमक रेते को नीचे ले जाता है और बढ़िया से साफ़ हो जाता है, इसीलिए मैं नमक डाल के ही धुलती हूँ हमेशा हर सब्ज़ी को, आप लोग भी ऐसे ही धुलें। तो फ्रेंड्स, हम इसको तीन चार बार में धुल लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये धुल लिया है अच्छे से, और काट भी लिया है मैंने बारीक, जितना भी बारीक आपसे कट पाए। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज काट ली है एक बड़े साइज़ की, लहसुन काट लिया है, मिर्चें काट ली है, और यहाँ पे मैंने तीन आलू ले लिए, उनको छील लिया है। और इसको आप स्क्वायर शेप में काट लें या फिर आपकी मर्जी जिस शेप में भी काटें। तो फ्रेंड्स, मैं इसको स्क्वायर शेप में काटने वाली हूँ, आप जिसमें भी काटें तो हम काट लेंगे। अब काटने के बाद हम इनको सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच तेल, कढ़ाई मैंने गर्म करने रख दी थी पहले। अब इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा, और इसको तड़कने देंगे अच्छे से, थोड़ा ब्राउन सा हो जाए। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन की कलियाँ, ये मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और इनको मैंने काट लिया है, या फिर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। तो हम इसको अच्छे से तड़कने देंगे लहसुन की भी, ताकि इसकी एक लहसुन की खुशबू जो निकलती है वो भी इसमें रिलीज़ हो जाए। फ्राई होने देंगे थोड़ा सा, और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो हमने प्याज काट के रखी थी। इसमें डाल देंगे हम नमक ताकि जल्दी से ही पक जाए हमारी प्याज। फ्रेंड्स, हमेशा ही प्याज के साथ नमक ज़रूर डाला करें, या फिर आप टमाटर भी डाल रहे हैं तब भी नमक ज़रूर डालें। उसमें डाल देंगे हम आलू, आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद में हम और सामान डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम मिर्चें। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मिर्चों में कलर नहीं है, आप अगर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्दी, मिर्चों में कलर नहीं है बट ये मिर्चें हैं बहुत तेज़। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें जितनी आप खाना पसंद करते हों। तो हम इसमें हम डाल देंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये मैंने आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है, और ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, बस थोड़े से। अब हम इसमें डाल देंगे ये पत्ते इसके चौलाई के, ये मैंने बारीक करके काट लिए थे, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले वसाले हमारे डले हुए हैं सारे मिक्स हो जाएं अच्छे से। तो मैंने ये मिक्स कर लिए हैं। अब मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चौलाई के पत्तों की सब्ज़ी बनके रेडी है। फ्रेंड्स, कैसी लगी? बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी, और नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और झटपट बनाइए और झटपट खाइए, सर्दियों का मज़ा गर्मियों में लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।